कोरोना वायरस जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंचता है तो यह वायरस एक कोविड-19 नाम की बीमारी पैदा करता है। यह बीमारी अब पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस से जुड़ी कई जानकारियां शेयर की है। इन्हीं के आधार पर हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस जब शरीर के अंदर पहुँचता है तो वो कैसे शरीर को तबाह करता है। जब सांसों के जरिए कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इसके शुरुआती लक्षण बेहद मामूली नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह अपना भयानक रूप लेने लगता है। कोविड-19 जब बॉडी पर अटैक करता है तो इसके शुरुआती समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड इन्फेक्शन और लक्षण दिखने के बीच का वक्त होता है। शरीर के अंदर जाने के बाद ये वायरस सबसे पहले इंसान के गले की आसपास की कोशिकाओं पर हमला करता है। इसके बाद सांस की नली और फेफड़ों पर हमला करता है। इस स्टेज में आने के बाद ज्यादातर पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सांस की नली और फेफड़ों पर हमला करने के बाद यह वायरस अपनी संख्या धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाने लगता है। ऐसे में कोरोना वायरस खुद को शक्तिशाली बना लेता है और यह बाकी कोशिकाओं पर भी तेजी से हमला करने लगता है। इस दौरान पेशेंट खुद को बीमार महसूस करने लगता है। वायरस का असर बढ़ने पर बुखार, खांसी, बदन दर्द, गले में खराश और सिर दर्द जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। इस दौरान पेशेंट के शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की कोशिश करने लगता है। वायरस को खत्म करने के लिए शरीर का इम्यून सिस्टम एक साइटोकिन नाम का एक केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति पूरे जोर से हमले का जवाब देने में जुड़ जाती है और इस कारण पेशेंट को बदन दर्द और बुखार भी हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से होने वाली खांसी ज्यादातर सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता। कुछ लोगों को इस दौरान खराश की भी शिकायत देखी जा सकती है। यह स्थिति करीब एक सप्ताह तक हो सकती है, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने में कामयाब होता है उनका स्वास्थ्य एक हफ्ते के अंदर सुधरने लगता है, लेकिन कुछ मामलों में व्यक्ति का स्वास्थ्य और बिगड़ने लगता है। कोविड-19 के गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। हाल ही में कुछ रिसर्च सामने आई है जिनमें यह कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से नाक बहने और सर्दी जुकाम के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ने पर यह गंभीर रूप लेने लगता है। इस दौरान शरीर में जो केमिकल बनते हैं उसकी वजह से शरीर सूजने लगता है। कभी कभी इस सूजन के कारण शरीर को गंभीर नुकसान भी पहुंचता है। चीन में 56,000 पीड़ित लोगों की इकट्ठा की गई जानकारी पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिसर्च यह बताती है कि 14% लोगों में इस तरह के गंभीर लक्षण देखे गए हैं। जब वायरस गंभीर रूप से बॉडी पर असर डालता है तो इसका सीधा असर किडनी पर पड़ने लगता है जो खून साफ करने का काम करती है, लेकिन गंभीर स्थिति में आने के बाद किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है। साथ ही इसे शरीर में मौजूद आंतड़ियों पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। इस वायरस के कारण शरीर की सूजन इतनी बढ़ जाती है कि शरीर के कई ऑर्गन फेल हो जाते हैं जिससे इंसान की मौत तक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट।